स्कोप ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ये स्टूडेंट मुझे इस मॉड्यूल में आपसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में लैंग्वेज लर्निंग किस के, के दायरा के बारे में बात करनी है स्कोप के बारे में बात करनी है जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज अ क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज डिवेलपमेंट तो जो अर्ली चाइल्ड का पीरियड है लैंग्वेज डिवेलपमेंट के हवाले से बहुत ही क्रिटिकल होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एंड चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू मल्टी मल्टीपल लैंग्वेज एट एन अर्ली एज बीन बेटर चांस टू बिकम प्रोफिशेंट इन दोज लैंग्वेज लेटर ऑन जिन बच्चों पर अर्ली चाइल्ड हुड के दौरान दर, यानी इस पीरियड में उन पर लैंग्वेज ज़्यादा उनको लैंग्वेज या ज़्यादा बेहतर अंदाज में कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो बाद वाले सालों में उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है या बाद में उनके जो करियर में डेवलपमेंट है वो बहुत बेहतर होती है सो लैंग्वेज लर्निंग कैन इंटेग्रेट इन टू अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन प्रोग्राम्स इस सिलसिले में हम बच्चों को अर्ली जो इब्तदाई इनका दौरानिया इसमें उनको लैंग्वेज सिखाने के लिए उनका जो निसब है उसमें उसको इंटग्रेट किया जा सकता है मरबूत किया जा सकता है अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन के प्रोग्राम्स में लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से आप देखिए जैसे हमारे यहाँ यहाँ बच्चा बैक वक्त दो तीन लैंग्वेज सीख रहा होता है आ, वो उर्दू लैंग्वेज सीख रहा है फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है घरों में आम तौर पर वो जौन जो, जो सा उनका सूबा होगा वहाँ उसकी वो लैंग्वेज बोल रहे होंगे सो एट इट एंड इट कैन बी यूज टू प्रमोट कग्नेटिव डिवेलपमेंट तो ये बच्चों की जो जो जहनी डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी इससे मुमकिन हो सकती है और कल्चरल अवेयरनेस और उनकी जो अपनी सकाफती अवेयरनेस है कल्चरल अवेयरनेस है उससे भी वो वाकिफ हो जाते हैं लैंग्वेज से द स्कोप ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन इज़ ब्रॉड एंड एंड इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ लैंग्वेज स्किल्स उसमें बहुत से लैंग्वेज स्किल्स शामिल होते हैं एंड कंपिटेंसीज़ है वैसे कोई भी लैंग्वेज जो है उसकी चार बेसिक महारतें होती हैं सबसे पहला है सुनना फिर दूसरा है बोलना तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना तो ये चार बेसिक महारतें हैं जिनकी जो किसी भी लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से इनको सीखना ज़रूरी होता है तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हम इसको चारों को इसके निसाब का हिस्सा बनाकर हम उनको उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते सम ऑफ द की एरियाज ऑफ फोकस इंक्लूड्स कुछ फोकस एरियाज हैं नंबर uh, वन उसमें है वैकेबलरी डेवलपमेंट सो इट इज़ अ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट लर्निंग इन अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन तो अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन में जो वैकेबलरी uh, डिवेल्पमेंट है uh, हर बच्चा जो है वो नॉर्मली वो हर रोज पाँच अल्फाज नए सीखता है और छः साल की उम्र तक जाते जाते वो तकरीबन छः हज़ार के करीब अल्फाज वो सीख लेता है तो वैकेबलरी डेवलपमेंट जो है इस इस लेवल पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और यंग चिल्ड्रन नीड टू तो डेवलप अ स्ट्रॉग वैकेबलरी टू तो अंडरस्टैंड एंड यूज़ लैंग्वेज इफेक्टिवली क्योंकि जो वैकेबुलरी डिवेलपमेंट के बग़ैर बच्चा लैंग्वेज का इफ़ेक्टिव और यूज़फुल uh, जो इसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकता दैन नेक्स्ट स्ट्रेटी है ग्रामर एंड सिंटैक्स। तो ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर तो इस लेवल पे स्टूडेंट्स को लैंग्वेज सिखाना के लिए उनकी ग्रामर uh, और सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाना टेंसिस सिखाना वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाना उनसे uh, जो वर्ड्स uh, जो सेंटेंसेस बनाना uh, वो सारा इस लेवल पे सिखाया जाता है और ये सर्टन ग्रामर रूल्स की मदद से हो सकता है सेंटेंसेस बनाना और दे बिगिन टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स जब वो बच्चा एक बार उसको लैंग्वेज को सीखना शुरू कर लेता है जब वो अल्फाज की इतदाई महारतें शुरू सीख लेता है तो फिर ग्रामर की तरफ वो आ जाता है सेंटेंस वो बनाना शुरू कर लेता है और उसमें वो महारत हासिल करना शुरू कर लेता है नेक्स्ट स्ट्रेटजी है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस

प्रैग्मैटिक्स जो है ये लैंग्वेज यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन सोशल इसमें प्रैग्मैटिक्स में जो लैंग्वेज का यूज़ है वो ना सिर्फ लैंग्वेज के स्टाइल्स लैंग्वेज uh, के जो uh, इस्तेमाल है उसका सिखाया जाता है बल्कि वो लैंग्वेज के स्टाइल्स का uh, के डिफरेंस के बारे में बताया जाता है कि कौन सा स्टाइल हमने किस वक्त यूज़ करना है तो लैंग्वेज का ये सोशल यूज़ है सो यंग चिल्ड्रन नीड टू डेवलप प्रैगमेटिक्स स्किल छोटे बच्चों में प्रैग्मैटिक स्किल्स भी डेवलप करना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज यूज़ और लैंग्वेज uh, यूज़ के जो सोशल और कल्चरल नॉर्म्स हैं उनको सीखने के लिए या सिखाने के लिए तो बच्चे को uh, ये भी उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में शामिल है